हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम सो के उठे हैं, ठंड लगी है बस। और ये छोले रख दिए उबलने, दूध गर्म हो रहा है। पति देव अभी सोए हैं और हम जा रहे हैं सब्जी लेने, अपनी बाहर से तोड़ने। ये फटने लग जाते हैं, बड़े तो होते नहीं है। लग तो बहुत सारे रहे हैं। ये पता नहीं क्यों सूख गया पेड़ टहनी वाली। ये वाली टहनी भी सूख गई। ये तो खराब ही हो गया। ये लगा है थोड़ी खराब। ये भी है, तो रही नहीं है कोई। कोई तो होगी, एक है देखो तो बढ़िया सी। छोटी है एक, ये है छोटी। अरे कितने बैगन निकल गए और एक पूरी निकली। बस तुरई है और पर छोटी है नहीं। एक व्यक्ति के लिए हो जाएगी। चलते हैं। फलिया भी आ गई है छोटी छोटी, देखो। ये देखो देखो हमारी आज गैस लग रहा है, खत्म होने वाली है। कितने बर्तन काले कर दिए। इनकी छोले भी हमारे हो चुके हैं, चावल हैं। ये हमारी रात की थोड़ी दाल बची हुई है। टाइम हो गया है देखो 9। और पतिदेव अभी हमारे कर रहे हैं एक्सरसाइज है भी नहीं। फ्रिज को हमने साफ करने के लिए बंद किया है। ये देखो इसमें कितने ज्यादा शिवलिंग खड़े हैं, कितनी ज्यादा बर्फ जम गई है। किस किस के फ्रिज में होता है बताना, क्योंकि मेरे पतिदेव कहते हैं हमारा जो गांव वाला फ्रिज है उसमें नहीं होता है। अब इनको क्या पता 24/7 अगर लाइट आती है तो होता है ऐसे।
और नहीं आती है तो नहीं होता है। तो खीरा वीरा काट लेते हैं यार हम, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। ये दीपक तो जल लिया है, लेकिन आज हमारा फ्रिज को तीन चार घंटे हो गए यार बंद करे हुए, पर अभी तो पानी नहीं पिघल गया इसको, देखो बर्फ ही नहीं पिघल रही है, पूरा भरा पड़ा है अभी तक नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं पिघला है, क्या करें। कपड़े धोते हैं तब तक अपने, तो चले गए ऑफिस, अपने कपड़े धोते हैं थोड़ा। ठंडा लगता है पानी अब नहाने में भी, पर हम नहा चुके हैं पहले ही, मैं नहा लेती हूँ 7 बजे तक। तबीयत में थोड़ी सही नहीं हो रही है, सही है आज जुकाम हो गया बहुत तगड़ा सोते सोते ही, पता नहीं कैसा लग रहा है, दवाई खा लेती हूँ ना, फिर कभी पता चला और बिगड़ गई तो डाउन हो जाऊंगी फिर। रखिए मैं पालू खा के बोलिए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। करके बंद रिमोट का हो गया, ये सामान फैला पड़ा है मेरा, सिलाई कर रही हूँ, पुराने कपड़े जो उधड़े हुए हैं, उधड़े पुधड़े या फिर कुछ ना कुछ ढीले पीले करने वाले या कुछ टाइट करने वाले इस टाइप से। ये देखो हमारा फ्रिज का हाल, अभी तक नहीं उतरा नहीं है, ये देखो मैं उखेड़ के लाई हूँ ऐसे, ये देखो ढमाटोल फ्रिज का हमारे। तो गर्म गर्म पानी आ रहा है टंकी में, जल्दी छूट जाएगा। और ये वाले बर्फ को मैं डाल देती हूँ मलाई में घी चलाने के लिए, जल्दी छूट जाएगा, थोड़ा छूट जाएगी। अब ये शहद था, शहद बाहर रख देती हूँ इसको और थोड़ा, और लाती हूँ बर्तन। ये देखियो सुबह 7 बजे से वो भी मैंने अब उखेड़ा है तब जाकर, लेकिन नीचे वाला तो देखियो बिना निकला, ये देखो, पर मैंने इसको साफ कर दिया भैया, कब तक देखते रहते। पूरा साफ कर दिया हमने, तो थोड़ा ये ट्रॉली रह गई है साफ करने से, वरना और ये साइड का भी रह गया है क्योंकि पर नहीं पिघला ना, और अभी ट्रे भी धो दी सब, अभी इसका मक्खन बनाना बाकी है इसका भी, ये बर्फ नहीं पिघल रहा है, मैं सोची चल जाए तो कड़ी कड़ी बन जाएगी यार, और क्या। थोड़ा गाय वाला मट्ठा भी रखा है मेरे पास, ये देखो ये मेरा गाय वाला मट्ठा है, लाल वाला होता है जो, शाम को थोड़ा फली काट के रखूंगी यार, ये पिघल नहीं रहा है, मैं बड़ी परेशान हो गई इससे, ये अंदर वाला, बाकी तो सब हो गया साफ। अब इसको कर लाते हैं भैया और रख देंगे सब सामान, मेरा फैला पड़ा है सब कुछ, ये देख लो फ्रिज का सामान, ये देखो फ्रिज में भी कितना पानी भर गया पीछे, नहीं तो सुबह एक भी बूंद नहीं था, जब से मैंने बंद किया है ना फ्रिज तब से पानी इकट्ठा हो गया है, देखो ऐसे तो करना पड़ेगा यार, कितना बर्फ पिघला सोचो, सारा दिन हो गया मेरे फ्रिज को बंद बंद, पूरा एक भर गया, अभी और है, अभी निकालूंगी आके इसको भी, इसको फेंक देती हूँ, पहले फेंक देते हैं इसको थोड़ा, फ्रिज कितना पड़ा है, ये देखो पिघल नहीं रहा है भाई, ये और हो जाए मेरा बस, बाकी कोई जरूरत ना, वो जल्दी जल्दी पिघल जाएगा ना तो भर जाएगा, बस मैं एक और भर लूं, अभी और पिघलने देते हैं ताकि थोड़ा और देर से निकालेंगे अभी। और अब हम लेट जाते हैं,
ट्रे वे तो हमने कर दी है सब साफ, और बर्फ निकली है बाकी भी कर देते फ्रिज साफ, फिर हम लेट जा रहे हैं। ओके, 2:50 पर ना, अभी तो मैं आप लोगों से बोल ही रही थी कि मैं साफ कर रही थी आके कि अभी लेट जाती हूँ थोड़ी देर, तो जैसे लेट ही वैसे ही इतनी तेज का अर्थक्वेक आया ना, मेरा बेड ऐसे ऐसे हिल रहा था, नींद आने वाली थी मुझको, पर अब फिर मुझे डर की वजह से नहीं आई, क्योंकि मेरा बेड हिला तो मैं डर गई, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मैं वहां पूछा पतिदेव को कि आया, कह रहा हमें नहीं पता, पता ना यार मुझे तो, लेकिन पूरा पूरा फील हुआ कि भूकंप आया, और बहुत खतरनाक वाला भूकंप आया भाई, मेरा बेड पूरा हिल गया ऐसे, इतनी तेज थोड़ा ना हिलता है, और ना ही वो ऊपर ये जो हमारा पंखा है ये वाइब्रेट थोड़ा करता है इतना, और कल पता चल जाएगा न्यूज में। देखो मैं जा रही हूँ सब्जी काटने, और जो सिलाई कर रही थी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा वो भी मैं कर चुकी हूँ, अब मैं लेट गई हूँ, लेट ही रही हूँ। फ्रिज व्रिज भी बिल्कुल साफ हो गया भैया, अब सब काम निपट गया है, तो अब देखा है टीवी, देखो क्योंकि हमने इंडिया का टैलेंट देखा नहीं था परसों वाला, तो आज देख रहे हैं परसों वाला एपिसोड पार्ट टू पार्ट स्पेशल वाला, और पतिदेव के ऑफिस में कोई किसी की डेथ हो गई, मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया है, तो वो भी आने वाले होंगे आज जल्दी, कोई एम्प्लॉय था किस उसने सुसाइड कर लिया कल, लड़का ही था मतलब, अभी मैरिड भी नहीं था वो, अनमैरिड ही था, तो वो भी आने वाले हैं, कितनी देर में आते हैं देखो, फिर आके क्या कुछ बोलते हैं या खाने को लाते हैं या आके बोलेंगे कि ये बना ले, कोई पता नहीं है, तब तक हम सोच रहे हैं अपना ये इनका निपटाने का, बहुत टाइम लगता है इनको काटने में, फिर मिलते हैं बाद में।